गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आपको एक पैटर्न डिजाइन करवाने वाली हूँ, पैटर्न वर्क करवाने वाली हूँ एक सीनरी पे, कि हम सीनरी पे कैसे पैटर्न वर्क का काम करते हैं। मैंने एक इमेज ड्रॉ की है यहाँ पर, ठीक है। मैंने एक इमेज ड्रॉ कर रखी है, टू पैरट्स बना रखे हैं, दो पैरट, माउंटेन, सन एंड टू ट्रीज, ठीक है। अब मैं इसमें बारीक बारीक पैटर्न कलर को यूज़ करूँगी। पैटर्न कलर के लिए मैंने लिया है स्केच कलर, और अलग अलग स्केच कलर अलग अलग पिक्चर को या अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, जो ट्री है, पैरेट है, उसको अलग अलग कलर से शो करूँगी। और कैसे बनाना है मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम लेंगे लाइट ग्रीन कलर एंड डार्क ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर से हम छोटे छोटे क्या करेंगे, ये स्केच छोटे छोटे सर्कल बनाने, पूरे पिक्चर को हमने सर्कल के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे। इस वर्क में टाइम तो जाने वाला है, पर आपको बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, कोई फास्ट नहीं रनिंग करना है। बीच बीच में ग्रीन भी हल्का हल्का, इसलिए थोड़ा फेदर्स का पता चले। इस तरह मैंने दोनों पैरेट कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अब पैरेट के बाद हम लोग करते हैं टॉप का स्काई कलर से, छोटे छोटे सर्कल करते हुए आपने पूरे उस पर करना है इस तरीके से। मैं ट्री के जो बचे हुए पोर्शन हैं उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके लिए मैं लेती हूँ डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड थ्री कलर्स लिए हैं। पहले मैं येलो से कर लेती हूँ, बीच बीच में येलो सर्कल, और कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन, स्पेशली कॉर्नर पे, क्योंकि इससे थोड़ी सी बॉर्डर जो होगी वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगेगी और डिफरेंट उसमें आ जाएगी। अब मैं माउंटेन पे कलर कर रही हूँ। माउंटेन पे कलर करने के लिए लिया है मैंने येलो में, एक आता है ऑकर येलो, इसको यूज़। इसमें वो टाइम तो जाएगा थोड़ा बहुत, बट आप इस काम को धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ध्यान लगा के इस काम को करना है। अब बनाते हैं हम सन। सन के लिए भी हम लेंगे ऑकर येलो,
लाइट येलो एंड ऑरेंज, तीनों ही कलर के मिक्सर से हम लोग करते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन के लिए मैं ऑरेंज कलर ही यूज़ कर दे रही हूँ। अब मैं पेड़ के स्टेम के लिए दो कलर्स ले रही हूँ, ब्राउन एंड ऑकर येलो। मैंने ब्राउन कलर से इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो तो ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही सेम टू सेम मैं दूसरे ट्री को भी कंप्लीट कर रही हूँ। इसको भी मैं आधा पोर्शन पहले इतने में डिवाइड कर देती हूँ, और उसके बाद पूरी आउटलाइन बना ली है। उसके बाद मैं छोटा छोटा सा वर्क कर, आउटलाइन होने के बाद मैं पूरा येलो कलर से जितना रह गया ब्लैंक पोर्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। जब आप इस वर्क को करोगे ना तो आपका मन है जो एकाग्र होगा, और इससे आप आराम से काम करते करते कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बना दे रही हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि सारे येलो येलो मिक्स हो जाएगा नहीं तो। इसी तरह पैरेट को भी डार्क ग्रीन कलर से मैं आउटलाइन कर देती हूँ। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, ये देखो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नीचे वाला जो खाली पोर्शन बचा है मैं उसको पिंक कलर से, मेरे पास एक लाइट पिंक कलर है उससे फिल कर रही हूँ। इसी तरह आप भी अपना वर्क कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। इसी तरह ये पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। इस तरह पूरा इमेज कंप्लीट।